आप अपने पर नोट को सेल करके आप $10 तक अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप एक अर्निंग वेज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप के, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आज मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप अपने बना हुआ नोट्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गया ठीक है, तो यहाँ पे आपको $10 मिल देंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइंड हो गया या वहाँ पे कोई भी गलती है, PDF या नोट समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे वो अप्रूव्ड नहीं होगा। यहाँ पे क्लास नोट्स अपलोड कर सकते हैं, वोल्ट होमवर्क अपलोड कर सकते हैं, अपने एग्जाम पेपर टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पे PDF अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स आर अप्रूव्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अवर सिस्टम रिव्यूज एंड अप्रूव्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिसीव पेमेंट, यू अर्न अप टू $10 एवरी टाइम योर स्टूडेंट व्यूज योर डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टूडेंट्स व्यू करेंगे, जिसके लिए आपको $10 पे करा जाता है। मैक्सिमाइज अर्निंग, यहाँ पे देखिए डू और डोंट लिखा हुआ है। हाई क्वालिटी यानी कि अवर सिस्टम विल चेक दैट ऑल कंटेंट अपलोडेड इज हाई क्वालिटी। एंड इसके बाद देखिए लो क्वालिटी दिया हुआ है, लो क्वालिटी कंटेंट विल बी रिजेक्टेड, दिस इंक्लूड्स कंटेंट विथ नो एक्सप्लेनेशन आंसर्स एंड एजुकेशनल वैल्यू, यूजर विथ ए हिस्ट्री ऑफ लो क्वालिटी कंटेंट विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसका आंसर सही से होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन सही से होना चाहिए, ताकि वो देख के किसी का वो हेल्प हो, किसी को पढ़ाई अगर करना चाहे उसको वो हेल्प मिले ठीक है। एंड यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या बैड टाइटल्स नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे है। कॉपीराइट कंटेंट होना नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इजी टू ड्राफ्ट स्टडी गाइड, सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बस आप फॉलो करिए। कैसे क्या करना है सारी चीजें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली प्रोसेस विद इन 48 hours बट कैन टेक longer डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कंटेंट। आपके पास जो भी गुड क्वालिटी कंटेंट है उसके साथ अपने खराब क्वालिटी के साथ मिक्स मत कीजिए। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन करा है कि आपको आगे कैसे अपलोड करना होगा एंड अपलोड करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट दिया होगा, JPEG, PNG, JPG, GIF, JPEG, ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स हियर। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना होगा एंड मैक्सिमम ये आपका जो PDF या जो भी अपलोड करते हैं वो 200 MB का होना चाहिए ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड आपका फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड इसके ऊपर ने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा था काफ़ी टाइम पहले से, आप लोग उस वीडियो को चाहे तो पूरा देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा ठीक है। एंड अगर आप एक ट्यूटर होना चाहते तो यहाँ पे बिकम ए ट्यूटर में क्लिक करके यहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं ठीक है। लेकिन ये वीडियो इसके लिए नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं ठीक है। जब भी आप सेल डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट तरीके से दिया हुआ, यू कैन अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल लैंग्वेजेस ठीक है। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेजेस में अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बंगाली में हो, गुजराती में हो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले पेंडिंग दिखाएगा, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होगा तो ऐसे दिखाएगा, डिक्लाइंड होगा तो ऐसे दिखाएगा, एंड अनलॉक रिसिप्ट तो ऐसे दिखाएगा ठीक है। यहाँ पे आपको अपलोड मोर फाइल्स में क्लिक करना होगा, देन आपका यहाँ पे फाइल ओपन होके यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रो टिप यहाँ पे दिया हुआ है, डोंट हैव द टाइम टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वंस एट अ टाइम, पुट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन ज़िप फाइल और फोल्डर एंड वी विल रिव्यू एंड अपलोड देम फॉर यू। आप जो भी चीज़ों को लेके पढ़ाई करे हैं, चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं स्टडीपोल वेबसाइट में ठीक है। एंड उस वीडियो को जाके देख लीजिए, मैं जो ऑलरेडी लास्ट टाइम अपलोड कर रहा था। एंड बाकी तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि माई बैलेंस में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपका जो भी सेल वगैरह होता है या जो भी व्यू होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड मनी को कैसे विदड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मनी विदड्रॉन आफ्टर 4 PM GMT ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन यहाँ पे विदड्रॉ होते हैं, थर्सडे विल नॉट बी पेड आउट अंटिल मंडे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कौन से दिन में किस तरीके से विदड्रॉ होता है, एंड ट्रांसफर में टेक 2 to 3 business days। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर आते हैं। तो विड्रो मनी में जब भी आप क्लिक करेंगे ना, ये आपके पास आपके पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पेपल का ऑप्शन है। मैंने ना इस वीडियो के नीचे एक वीडियो लिंक देकर रखा है, उस वीडियो पर मैंने बताया है कि किस तरीके से आप विदिन 5 मिनट पेपल का अकाउंट बना सकते हैं फ्री में ठीक है। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कैसे पेपल का अकाउंट बनाया जाता है, यूज़ करना होता है। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ठीक है। देन आप
जब यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे, बस यहाँ पे आपको पेपल को सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे अपना मेल आईडी को डाल देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे पेपल से विदड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। मिनिमम जो आपका बैलेंस होना चाहिए $50, ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे विदड्रॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे $50 अगर आप 5 नोट्स भी सेल करते हैं तो $50 आपका हो जाएगा। एंड दोस्तों बाकी मैंने आपको वीडियो लिंक देके रखा है पहले वाला, उस वीडियो को देखिए, इसके बारे में समझिए अच्छे से किस तरीके से ये वर्क करता है, देन यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टडी पूल से अर्निंग करना। कोई भी डाउट क्वेरीज होगा इस वीडियो को लेके तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कोई ऐसे ही नई वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।